Hello students, in today's class we are going to learn 10th standard English lesson number 4.2, that is the luncheon. Students, in this video we are going to see digest answer of this in this video. Okay, so चलिए देखते हैं कि question answer सारे के, और ये सारे जो भी chapters मैं upload कर रही हूँ आपके comment पे कर रही हूँ, आपके demand पे कर रही हूँ, और आपने मराठी, geography, history और सारे subject के बोले हैं, तो धीरे धीरे मैं 3-4 दिन के अंदर सारे जितने भी हैं आपने यूनिट 4 से बोला है, राइट? तो यूनिट 4 से ही मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ. वैसे आपको सारे नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने बनाया नहीं है, ठीक है? जो जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं वही मैं बना रही हूँ, तो आपको कोई भी चाहिए तो आप कॉमेंट में बताइए, बन जाएगा. वार्मिंग अप के क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है टॉक विद योर पार्टनर एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स. ये क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू एवर बीन इन्वाइटेड फॉर लंच टू एनी होटल बाय योर फ्रेंड. तो यस और नो में आपको बताना है, ठीक है? ये तो आपके ऊपर है कि कौन सा ओकेजन था जब आपको इन्वाइट किया गया है. डिड यू एन्जॉय द लंच, क्या आपने लंच को इन्जॉय किया, यस और नो उसमें बताना है आपको. यहाँ पे आपको बताना है फूड कैसा था, अच्छा था या बुरा था, सर्विस कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी, ठीक है? प्लेस कैसा था, क्लीन था या अनक्लीन था, नॉइजी था, कैसा था, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है. ये आप अपने तरीके से बता सकते हो. अच्छा, ओकेजन क्या था, यहाँ पे बर्थडे था कि कुछ और अलग तरीके का सेलिब्रेशन था, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं. चलिए आगे देखते हैं. सो यहाँ पे देखिए, डिस्कस इन पेयर्स, पीपल विद द फाइबल्स आर नॉट ऑफन कॉन्शियस ऑफ देम, डू यू एग्री और डिसएग्री, व्हाई? तो देखो यहाँ पे दिया गया फाइबल, ये क्या है, स्लाइट पेक्चुअलियरिटी और माइनर वीकनेस इन अ पर्सनस करेक्टर, एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो. मतलब कि कैसा उनका जो विचित्र सा, अलग सा, मतलब कि उनकी जो उनका जो एक करेक्टर होता है. सो आई एग्री विद दिस. हमारे यहाँ पे बोला गया ग्रैंड मदर का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है? माई ग्रैंड मदर हैज़ अ फाइबल दैट वी ऑल नो अबाउट, बट शी इज़ नॉट कॉन्शियस ऑफ इट. When the house is untidy, she gets irritated. जब घर अच्छा नहीं, क्लीन नहीं होता तो वो इरीटेट हो जाती हैं. ओके, तो यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पे देखिए, हर कंट्री का यहाँ पे अपना एक करेंसी होता है, आपको करेंसी यहाँ पे बताने हैं, ठीक है? 6 कंट्रीज के करेंसीज आपको यहाँ पे बताने हैं, और उसके इंडिया में क्या रेट चल रहे हैं वो भी आपको बताना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप ले सकते हो अमेरिका का, तो यहाँ पे क्या होता है, डॉलर होता है, और यहाँ पे क्या है, कितने हैं, एक डॉलर का कितना होता है, 79, इस टाइम आई थिंक 80 चल रहा है, तो इतना हो आपको लिखना है. इसी तरीके से आप खुद सर्च करके लिख सकते हो, ये तो आप गूगल से भी कर लोगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो आपके क्वेश्चन आंसर मेन है. सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ दी गई है, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है फिलिंग द ब्लैंक्स के. तो इसके तो आंसर आप देख ही सकते हो, कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, आंसर देख सकते हो. स्टूडेंट्स, मराठी का मैं आपको कल प्रोवाइड करती हूँ जो कि आपके कमेंट्स आए, हिंदी का भी मैं ट्राई करती हूँ, ओके? उसके बाद धीरे धीरे आपके जो भी सब्जेक्ट्स आपने बोले हैं, कुछ 2-4 दिन के अंदर मैं ट्राई करती हूँ कि सारे अपलोड हो जाएँ जो भी आपके कॉमेंट्स आए हैं. फ़िलहाल इंग्लिश का है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और ये सारे जो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ ये मैं स्टूडेंट से अब मेरे पास रहता है, तो मैं उसका फ़ोटो क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे बताती हूँ. तो कोई ऐप नहीं है, क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन पूछते हो कि कौन से ऐप से आप बताते हो, तो कोई ऐप नहीं है ये, ओके? किसने क्या कहा है, कैसे सरकमस्टांसेस में, वो यहाँ पे दिया गया है, किसने क्या कहा था ये देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है आंसर. वेयर एंड वेन डिड दे डिसाइड टू हैव लंचन, कब और कहाँ उन्होंने डिसाइड किया लंचन का, तो यहाँ पर देखो दिया गया है फयर्ट्स रेस्टोरेंट, और किस दिन पे, थर्सडे के दिन. अब यहाँ पर देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, तो ये तो आपके बुक से ही है, आपको पैसेज में आएगा तो आप तब भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको लर्न रहेगा तो आपके लिए ईजी रहेगा फटाफट आंसर करना. सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग, ठीक है? हिंदी हमारा थीम है, हम क्या बोलते हैं उसे, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ओके? तो यहाँ पे देखो, समानार्थी हम हिंदी में बोलते हैं, पर्यायवाची दोनों में, हिंदी में भी मराठी में भी. आंसर डायरेक्टली दिया गया है, अ सेट ऑफ रूम्स यानी अपार्टमेंट, एक्नॉलेज्ड यानी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, जाना पहचाना, हैंडल यानी मैनेज करना, डायरेक्टेड अ रिमार्क यानी एड्रेस्ड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, यहाँ पे देखिए दिया गया है, वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यानी आपको अपोजिट वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यंगर था, आपने क्या बनाया इसका, ओल्डर। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ये एक्सेप्ट वर्ड को यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। ये देखिए एक्सेप्ट का यहाँ पे दिया गया है, ही हैड नो फ्री मोमेंट एक्सेप्ट ऑन द फॉलोइंग थर्सडे। एक्सेप्ट का मतलब होता है उसके अलावा, बजाय उसके, ठीक है। तो ही हैड नो फ्री मोमेंट, उसके पास कोई भी फ्री मोमेंट नहीं है, किसके अलावा, थर्सडे के अलावा। आई हार्डली थिंक अबाउट इट, सो इसे कैसे स्टार्ट करना है, हाउ से स्टार्ट करना है आपको, तो देखो हाउ लिटिल आई थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है इसका, यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, हाउ लिटिल आई थिंक अबाउट इट, यानी यहाँ पे क्या दिया था, आई हार्डली थिंक अबाउट इट, यहाँ पे हाउ लगा के यूज़ किया गया, हाउ लिटिल आई थिंक अबाउट इट। इसे हैड डन यानी हैड नॉट से स्टार्ट करने हैं आपको, क्वेश्चन बनाने हैं। हैड डन, शी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन, तो कैसे यूज़ करना है, हैड डन, पहले हैड डन लगा देना है, हैड डन, तो फिर ये वाला हट जाएगा, हैड डन, हैड डन, और ये पूरा इस तरीके से आ जाएगा। पर्सनल रिस्पॉन्स ये आपको खुद से लिखना है। तो पूछा गया अगर आप नरेटर की प्लेस पे होते तो आप कैसे रिएक्ट करते इस सिचुएशन को, तो यहाँ पे दिया गया है कैसे, किस तरीके से आप करते, ठीक है, रिएक्ट कैसे करते। यहाँ पे बोला गया है कि किसी को जो चीज़ मैं खर्च नहीं कर अफोर्ड नहीं कर सकता, उस पर मैं शो ऑफ के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए खर्च नहीं करता, ये सारी चीज़ें आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। आंसर डायरेक्टली दिए गए हैं अंडरलाइन में, ठीक है। यहाँ पे देखो टफ वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं, ओके। ये चैप्टर बहुत ही फनी है, बहुत ही ह्यूमरस है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था ये, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है चैप्टर। हु सेड दीज वर्ड्स सेंटेंसेस अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, ओके। तो यहाँ पे देखिए दिया गया किसने किस सिचुएशन में बोला था, ये देखो दिया है, गेस्ट ने बोला था पहला, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, किस सेंटेंस, किस सिचुएशन में बोला था वो भी दिया हुआ है। कंप्लीट द रीज़न यहाँ पे देख सकते हो, अंडरलाइन किया गया, व्हाट डू यू थिंक द वुमेन रीअश्योर्ड द नरेटर अबाउट, आंसर देख लीजिए ये दिया गया है यहाँ पे, ओके। आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इसी तरीके से बताते रहिए, सारे जो भी वीडियोज़ बन रहे हैं आपकी डिमांड पर ही बन रहे हैं, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, इसके पहले का चैप्टर अपलोडेड है, तो आप देख लेना वो भी। और कोई भी वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट कीजिए आप, बन जाएगा सारे वीडियोस। फिलहाल मैं 4 यूनिट का मैंने कर दिया है, क्योंकि 4 यूनिट का मुझे कमेंट आए हैं बार बार, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। मराठी का भी मैं जल्द कल तक बना दूंगी आपके लिए, एटलीस्ट 2-3 वीडियोस तो आपको एक दो दिन में मिल जाएगा। देख सकती हैं क्वेश्चन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, अच्छा ये क्या क्वेश्चन था ये मैं आपको बता देती हूँ। आयरनी, आयरनी, आई नेवर ईट एनी थिंग फॉर लंच, यहाँ पे आयरनी आपको यह बताना है। सो द आयरनी इज द आफ्टर इन्फॉर्मिंग द ऑथर दैट शी नेवर ईट एनी थिंग फॉर लंच द लेडी इमिडिएटली वॉन्टेड सैलमन कैवियर, यहाँ पे जस्ट वो बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुरंत तुरंत उसको सैलमन एंड कैवियर की डिमांड करती है। सो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द एक्सपेंसिव आइटम्स अवेलेबल, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ह्यूमरस इंस्टेंसेस जो हैं पर्टिकुलर लाइन्स यहाँ पे पैसेज से दिया गया है। ह्यूमरस इंस्टेंस क्या है, द वुमेन हैड ह्यूज टीथ, बड़े बड़े दांत हैं उसके, और यहाँ पे इंप्रेशन जमाने के लिए अपने दांत को और भी वाइट दिखाने के लिए जोर जोर से बिना मतलब अननेसेसरली हंसती रहती है, ओके। फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो पिक आउट द सेंटेंस दैट इंडिकेट्स दैट द लेडी वॉज डूइंग एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट शी वॉज सेइंग, एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहती है वो यहाँ पे आपको बताना। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, ठीक है। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, सो आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, ये दिया गया है। एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, तो यहाँ पे देखो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है ब्रैकेट से, और यहाँ पे आपको लिखना है, देख सकते हो। चेंज द वॉइस, शी री अश्योर्ड मी, ये क्या है, पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट टेंस है तो हम उसे किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में मतलब कि करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया गया,
मैंने बोला ना पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे, यहाँ पे वॉज दिया गया है. तो आई वॉज रीअश्योर्ड बाय हर. दूसरा क्या है, आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट. सो इसे आपको क्या करना है, इट वॉज, यहाँ पे वापस से अगर हम देखें तो पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ हुआ है क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. सो वापस से पास्ट इंडेफिनिट है तो हम इसको वापस से वॉज लगाएंगे. क्यों वॉज लगाएंगे, आई वॉज रीअश्योर्ड बाय हर. सो इट वॉज, सॉरी यहाँ पे देखिए एक मिनट, ओके यहाँ पे दिया गया है इट वॉज ऑर्डर्ड फॉर माई गेस्ट बाय मी. यहाँ पे आप बाय मी भी लगा सकते हो, ठीक है, ये जो यहाँ पे माई गेस्ट है यहाँ पे आप बाय मी भी लगा सकते हो. यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यू आर अनवाइज टू मीट ईट मीट शी सेड. इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है. तो कैसे करोगे, यहाँ पे शी टोल्ड हिम दैट ही वॉज अनवाइज टू ईट मीट. सो ये शी सेड जो है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेड को टोल्ड में, ठीक है, सेड को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं कि उसने कहा, उसने उससे कहा दैट ही वॉज अनवाइज टू ईट मीट. पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया गया, देख सकते हो. नेम द फूड आइटम्स मेंशन इन द पैसेज. द फूड आइटम्स मेंशन इन द पैसेज आर कैवियर, मटन चॉप्स, ये सारे फूड आइटम्स बताए गए थे. एस्पेरेगस, ये वेजिटेबल होती है जो बहुत ही डेलिकेसी होती है, डिलिशियस होती है. मोर्टिफाइंग यानी वेरी एम्बेरसिंग, बहुत ही शर्मनाक. यहाँ पे देखो दिया गया है सैंक, ये किस तरीके से नरेटर की फीलिंग को बताता है. सैंक यानी डूब जाना, दिल बैठ जाता है, डूब जाता है एकदम से, अनहैप्पी, दुखी हो जाता है, टेंस हो जाता है, टेंशन में हो जाता है एक्सपेंसिव फूड की देख देख के उसका, ठीक है. फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो पिक आउट द सेंटेंस दैट इंडिकेट्स दैट द लेडी वॉज डूइंग द एग्जैक्ट अपोजिट व्हाट शी वॉज सेइंग. कौन सा सेंटेंस दिखाता है कि वो जो बोल रही है उसका एकदम अपोजिट कर रही है. आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचन. सो यहाँ पे देखो किस तरह से बोलती है, वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग. तो एक चीज़ खाती है क्या, ये तो बिल्कुल अपोजिट बात उसने बोल दिया, बहुत खाती है हमने देखा. वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग. यहाँ पे देखो ये हमने देख लिया, ओके सो ये वाला देखो जो बोलती है कि एक चीज़ खाना चाहिए, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो, लेकिन वो क्या खुद एक चीज़ फॉलो करती है क्या नहीं. कंप्लीट द टेबल बाय पिकिंग द वेरियस ह्यूमरस इंस्टेंस एंड द पर्टिकुलर लाइंस फ्रॉम द पैसेज. यहाँ पे देखो ह्यूमरस इंस्टेंसेस, ठीक है, उसने सिंगल मटन चॉप ऑर्डर किया और यहाँ पे लाइन फ्रॉम पैसेज यहाँ से है, यहाँ पे देख लो भी हो गया ये. एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करना है. यहाँ पे देख लीजिए आंसर, यहाँ पे आंसर दिया गया है. नेक्स्ट यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. तो यहाँ पे देखिए टास्क मेन्यू वंडर्ड, तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर डायरेक्टली दिया गया है. ओके अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आंसर्स दिए गए हैं तो मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब आपकी बुक का ही है. एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, शी एट द कैवियर. सो यहाँ पे देखिए ये आपको क्या करना है, परफेक्ट टेंस में लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, हैज़ हैव होता है, सॉरी उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना. तो यहाँ पे देखिए ईट आपका का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, एट होता है सेकेंड फॉर्म, और ईटन क्या होता है थर्ड फॉर्म. ओके तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एट यहाँ पे पास्ट टेंस था, ये पास्ट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में. अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पे दिया गया है क्योंकि ये नेगेटिव था, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, सारे के सारे वैसे ही हैं, बस कुडंट को कुड में कर दिया, बस अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस. पर्सनल रिस्पॉन्स, विच फूड डू यू प्रेफर टू ईट, होम फूड और रेस्टोरेंट फूड, वाई. तो ये देखो दिया गया है बोर्ड्स मॉडिफिकेशन शीट, ऐसे दिया गया है, बिल्कुल ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है घर का खाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं. तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ऑयली होता है, स्पाइसी होता है रेस्टोरेंट का फूड, ठीक है, और अनहाइजीनिक कंडीशन में बनाया जाता है, ये अनहेल्दी होता है.
अब यहाँ पे देखिए दिया गया है यहाँ पे आंसर डायरेक्टली वेब वाले जो हैं, ठीक है, कंप्लीट द वेब। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये इसे पैसेज से दिए गए हैं जो क्वेश्चन, हु सेड दीज वर्ड सेंटेंसेस अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, वही सेम चीज़ है, बार बार क्वेश्चन रिपीटर आपको पता ही है दिया गया है यहाँ पे, कुछ भी मुझे समझ नहीं आती है ये चीज़ बार बार दिया गया है। आर स्टिल हंग्री, ये ऑथर ने कहा था क्योंकि उसने यहाँ पे उसे और खाना था वो, क्योंकि वो बोलती है कि कितना भी खा लो थोड़ी सी जगह रखनी चाहिए पेट में, जब वैसे बोलता है तो उसको लगता है कि अभी ये थोड़ी सी और भूखी है कि आप जो जगह भी अभी भी इसके पेट में बाकी है। देन अ टेरेबल थिंग हैपेंड, डिस्क्राइब द नरेटर्स इमोशंस एट दिस पॉइंट इन द स्टोरी, व्हाई डज ही नॉट एक्सप्रेस दिस इमोशन, तो यहाँ पे देखो दिया गया है राइटर ने क्या किया था, अपने सारे उम्मीदें छोड़ दी थी उसको बिल पे करने का, ठीक है, वो उसने सब कुछ अपने फेट पे अपने लक पे छोड़ दिया था, ठीक है, मेंटली उसने डिसाइड कर लिया था कुछ अलग तरीके से अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखी दिया गया है। ह्यूमरस इंस्टेंसेस लाइन फ्रॉम द स्टोरी, यहाँ पे देखिए दिया गया है मैच द कॉलम्स दिया गया है, मैच किया गया है, अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव, तो कंपेरेटिव क्या होता है, जब हम किसी एक किसी को कंपेयर करते हैं, सो हंग्री भूखा है, हंग्रियर किसी से ज़्यादा भूखा है, ठीक है, मतलब किसी से कंपेयर करते ना, जैसे ही इज़ हंग्रियर देन, किसी का नाम ले लिया, ठीक है, देन हर, हंग्रीस्ट यानी बहुत ज़्यादा भूखा, ठीक है, टेरिबल भयानक, मोर टेरिबल भयंकर एकदम, मोस्ट टेरिबल यानी सबसे ज़्यादा भयंकर, इस तरीके से ये होता है सुपरलेटिव यानी बढ़ा चढ़ा के। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, तो यहाँ पे देखो रिपोर्ट स्पीच में आपको करना है ये पूरा, तो ये आपको इसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए। पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरीज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट दैट दे इंडिकेट, यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है, शुड क्या होता है, इंडिकेट्स एडवाइस, एडवाइस ये तुम्हें पता है शुड हमेशा हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, सो कुड क्या इंडिकेट करता है, एबिलिटी कि हाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है शुड और कुड दोनों ही, तो दोनों को ही बताना है आपको किस तरीके का ये दिया जा रहा है। पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया गया, इट वॉज पास्ट केयरिंग, नाउ एक्सप्लेन वाई इन योर व्यू द नरेटर फील्स दिस वे, राइट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे देखो दिया गया द राइटर थॉट दैट द लेडी वॉज मीन, तो ये क्या है, फॉल्स है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, यहाँ पे सारे ट्रू फॉल्स दिए गए हैं आप देख सकते हो, टफ वर्ड्स की मीनिंग भी यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वैसे हम चीज़ें वापस यहाँ पे रिपीट की, रिपीट करने का मतलब है पैटर्न वही है, क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं कि आपके पैसेज में कौन सा लाइन ह्यूमरस आया है वो दिया गया है, ये आपको कंप्लीट करना है, रीज़न बताना है। द राइटर प्लान टू ईट नथिंग फॉर डिनर दैट नाइट बिकॉज, राइटर ने प्लान किया, बोला ना मैं रात में कुछ नहीं खाऊँगा, क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि कुछ भी उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे लंच विन के बाद, है ना, सो यहाँ पर वही दिया गया है कि और वो खर्च नहीं करना चाहता है, वो सर्जी दी गई है। लेडी थॉट दैट द राइटर हैज़ मीन बिकॉज, ऐसा क्यों लगता है उसे, क्योंकि उसने टिप के लिए वेटर के लिए बहुत से थ्री फ्रेंड्स ही रखे, इसलिए उसको लगता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है भाई ह्यूमरस इंस्टेंसेस लाइन फ्रॉम द पैसेज, यहाँ पे दिया गया देख सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन आंसर हैं क्योंकि आपको पता है अभी आप टेंथ में हो तो क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, तो सातवीं आठवीं से ही लेंदी हो जाते हैं पोर्शन, आप तो टेंथ में हो फिर भी फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स दिए गए, इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रही हूँ, और आप 360/480 पे वीडियो देखना, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बच्चों को बतानी पड़ती है सारी चीज़ें। ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो टेंस यूज़ करने हैं यहाँ पे, देखो दिया गया आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एन्जॉय अ पीच, सो हैव हैड यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है, हैव से हैव का ही टेंस है ना हैड, तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और शैल जो है शैल क्या है यहाँ पे शैल एन्जॉय, सो ये क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस है शैल विल, ये आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए केम पेड
और ये फाउंड ये सब यूज़ हुआ, ये सब के सब सिंपल पास्ट टेंस के हैं क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का। पर्सनल रिस्पांस के आंसर से यहाँ पे दिए गए हैं, ये अपने तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे देखो दिया गया है क्योंकि हमें पता है कि वो विंडिक्टिव मैन नहीं है, ऐसे रिवेंज लेने पे भी यकीन नहीं रखते, लेकिन वो खुश हैं फिर भी 20 साल बाद उसको देख के, ठीक है। सो ये उसके लिए ये लिखा गया है, आप देख सकते हो। वही आंसर यहाँ पे भी थोड़ा सा है, देख सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। यहाँ पे देखिए, राइटर हैज़ यूज द एक्सप्रेशन माई हार्ट सैंक, पैनिक सीज्ड मी। ये किस तरीके से, वो इतना टेंशन में आ गए थे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है पेरिस में वो छोटे से अपार्टमेंट में रहते, छोटे से फ्लैट में रहते थे, उनके पास इतना पैसे नहीं होते थे, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि लंचियन जो उन्होंने फ्लैट्स जैसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेके गए, और जब मिले हुए तो किस तरीके से एक्सपेंसिव डिशेस वहाँ पे अवेलेबल थे। राइटर इस तरीके से चिंतित हो जाते हैं, टेंशन में जाते हैं कि वो बिल कैसे पे करेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे उन्होंने बोली, माई हार्ट सैंक पैनिक सीज्ड मी, ये उन्होंने लाइन तब बोली। व्हाट आर द इंस्टेंसेस व्हिच क्रिएट ह्यूमर इन द लंचियन, लंचियन कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देखो पॉइंट वाइज दिया भी है, कई सारे इंसिडेंट्स थे जिस जो यहाँ पे ह्यूमर से, यानी ये लेसन पढ़ने के टाइम भी बहुत हंसी आ जाती है, ठीक है, पढ़ाने के टाइम भी। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था ये चैप्टर पढ़ाने के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, यूज़ ऑफ फॉरेनियन ह्यूमर, ये यहाँ पे दिया गया है। उसी का उसी से रिलेटेड मीन्स उस रिमेनिंग आंसर्स यहाँ पे है। ओके नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पे सारे आंसर्स उसी के। मैं यहाँ पे स्लोली स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप आराम से लिख सको, वीडियो पॉज करके एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। क्या दिया गया यहाँ पे, हाँ तो इस स्टोरी में राइटर किस तरीके से ह्यूमर यूज़ करते हैं और आयरनी करेक्टर दिखाने के लिए वुमेन का, ठीक है। नरेटर यहाँ पे क्या देखते हैं कि वुमेन एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेके जाती है फ्लैट्स में, और फिर यहाँ पे वो देखती है हाई प्राइसेस के ही मेन्यू देखती है वो, और बट रियली वो क्या बोलती है कि गेस्ट से कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, लंचियन में ज़्यादा कुछ लेती नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग आफ्टर स्टेटिंग दीज आयरनिकली द वुमन सी ईट्स सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स अवेलेबल लाइक सैलमन कैवियर वाइल द पुअर ऑथर ओनली ईट्स सम मटन चॉप, वो बेचारा सिर्फ एक मटन चॉप खाते। वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। स्टोरी रीड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिया गया, फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में लिखा बताना है आपको, देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये आंसर डायरेक्टली दिया गया है पेज नंबर 155 का, जो टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे डायरेक्टली आंसर उसके दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन एक बार आंसर तो नहीं देगा ना, इसलिए उसने डायरेक्ट आंसर्स दे दिए गए हैं, देख लिए लो आप। 155 में आपके क्वेश्चंस देखना और उसी के हिसाब से ये आंसर देख के लिख लेना, आपके वर्कबुक में भी तो दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है, वर्ड्स और फ्रेजेस आपको देखना है कि क्या इंडिकेट करते हैं दैट द ऑथर वॉज नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ। आंसर देखिए दिया गया है, वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे, उस फ्रेजेस दिए हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और ज़ूम इन करती हूँ ताकि क्लियरली आपको दिख सके। देख सकते हैं ये जो आयरनी एक्सप्रेशन है, मीनिंग है जो यहाँ पे, वो ये सब यहाँ पे दिया गया, देख सकते हो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन पूछना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। जिनके पास डाइजेस्ट नहीं है, वर्कबुक कम्प्लीट नहीं है, लर्न करना है, सो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जल्दी ही मैं आपके लिए 21 सेट का भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं खरीद पाते हैं, किसी के पास नहीं होता है, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा उसमें जो आपको समझने में हेल्पफुल होगा, ठीक है, वो उससे आप समझ भी लोगे। अच्छा यहाँ पे कुछ
दिया गया है, ग्रामर के पार्ट्स हैं। तो नाउन देखो, हमें पता है वो नाम होते हैं किसी के। अब नाउन में आपको पता है पांच होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, इस तरीके से पांच होते हैं। वर्ब होती है, तो वर्ब तो आपको ईजिली पता चल जाता है, कोई एक्शन वर्ड। एडजेक्टिव भी पता चल जाता है, जो नाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताए, ठीक है, ये इसकी विशेषता बताता है और एडवर्ब इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एडवर्ब क्या है, जनरसली, ब्राइटली, एंड थॉरली। अक्सर एडवर्ब में ly ऐड होता है, ओके, अब हमेशा नहीं बट अक्सर, मोस्ट ऑफ टाइम आप देखोगे तो। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स यानी अ एंड द, वो आर्टिकल्स हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए स्नैक के साथ में अ आएगा, एंड तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, और कप के साइड में भी अ ही आएगा क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे लेकिन आइसक्रीम, आई से स्टार्ट हो रहा है तो वॉवल है, इसलिए यहाँ पे एन आया। और द, तो आपको पता ही है द ऑथर, ऑथर के पहले द तो यूज़ होगा, अ ऑथर, एन ऑथर तो ऑथर तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है, द ऑथर ही यूज़ होता है, ओके। जो यहाँ पे डिफरेंट यूजेस दिया गया कुड का, इस सेंटेंस में देख सकते हो आंसर दिया गया है डायरेक्टली, लैक ऑफ रेन कुड कॉज ड्रॉट। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है, लैक ऑफ रेन कुड कॉज ड्रॉट, जो इतनी कमी हो रही है बारिश की इससे सूखा हो सकता है। अभी कुड परफॉर्म वेल इन हिज स्कूल प्लेस, तो पॉसिबिलिटी बता रहा है। सारे आंसर देख सकते हो अंडरलाइन किया गया है, कुछ भी हार्ड नहीं है आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि आंसर डायरेक्टली दिया गया है। भी और भी हैं बहुत सारे, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज़ करने हैं, तो देखो ये एट, इन, बाय, सिंस, फॉर, फ्रॉम, विद, ये सारे के सारे आपके प्रीपोजिशन हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा एक साथ में आंसर देख लीजिए। पंक्चुएट ये आपको करना है, यहाँ पे देख सकते हो। सबके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। जूम इन करके मैंने बताया, एक बार मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। राइट द करेक्ट वर्ब प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे देख सकते हो अट्रैक्ट, अट्रैक्टिंग, पासिंग, किस तरीके से यहाँ पे है। एक्चुअली यहाँ पे आपको करेक्ट करना है, ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, ये जो करेक्ट करना है। अभी देखो ये सबकी स्पेलिंग ना रॉन्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मीट का मीटेड है, ईट का ईटन, ई ए डबल टी ई एन, तो आपको राइट करना है। अब यहाँ पे क्या दिया, टाइप ऑफ सेंटेंस, किस टाइप का सेंटेंस है वो बताना है, एरर्स आपको बताना है यहाँ पे, और करेक्ट करके वापस से लिखना है। सबके आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, ये देखो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया करना है, तो सबके आंसर्स यहाँ पे है। पहले का देखो पंक्चुएशन यहाँ पे दिया गया, पंक्चुएट किया गया, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं सारे, यही सब आंसर हैं, इसके ही आंसर हैं, ठीक है, एक एक करके सबके आंसर हैं। डुअल डायरेक्टेड यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये क्वेश्चंस हैं ऊपर के ये सारे, और यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। लेटर है यहाँ पे देख सकते हो, दिवाली के ओकेशन पे आपको लेटर लिखना है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लंच पे, ये यहाँ पे दिया गया है।
देख सकते हो आपको लेटर का फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट उसका सारा मतलब नेम एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है यहाँ पे, और अपना भी नहीं लिखना होता एड्रेस वगैरह, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर नहीं इनफॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना, और जो भी वीडियो आपको चाहिए बता देना। इसके बाद की जो चैप्टर से वो भी फटाफट अपलोड करने के बाद मैं वापस से पीछे के चैप्टर्स अपलोड करूँगी, 3 यूनिट 3 का। ओके, जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा उनका हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे पहले आए थे बट मेरे पास मिला नहीं था डाइजेस्ट। ठीक है, अभी मिल गया है तो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर देती हूँ सारे के सारे। ओके, एक साथ में सारे पिक्चर्स भी एक बार दिखा देती हूँ आपको।